गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ लिया था, अब हम थर्ड टाइप का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे। हाँ, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने हर बार देखा है कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल ये मार्कर, हमने इसको ऐसे छोड़ा, ये हर बार नीचे ही क्यों जाता है? इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि नीचे कोई एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि हर वो ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ना। हाँ, वो जो फोर्स है उसी फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सो आज आपकी हेडिंग होगी थर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप पहले तो डेफिनेशन लिख लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जाम्पल लिख लेंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं पहले कि ये होता क्या है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कैसा होगा नेचर में, हमेशा अट्रैक्शन होगा बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स पजेसिंग मास इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आप चाहे एक पेन ले लीजिए और अपनी नोटबुक, दोनों को थोड़ी दूर पर रख दीजिए, वो दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हाँ, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बुक्स, बिटवीन अ बुक एंड अ टेबल, बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, बिटवीन अर्थ एंड द मून एक्सेट्रा इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, देखिए अगर हम इसको ऐसे छोड़े ये नीचे जाएगा तब कहेंगे हाँ सर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर हम यही चीज कहें कि मेरे पास ये दो मार्कर ऐसे रखे हुए हैं और इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अगर हम ये बात कहें तो आप क्या कहेंगे, सर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अगर लगता तो कोई एक एक दूसरे को अपनी ओर खींचता, लेकिन इसमें तो कोई कहीं नहीं जा रहा, इसका मतलब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये बात और है कि ये एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यानी कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए ये तो आप सोच लेंगे, चलिए सर आपने कह दिया तो मान लिए, लेकिन मेरे माइंड में एक सवाल है कि अगर इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एक दूसरे के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना। हाँ, उसका सिंपल सा आंसर है, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है, वीक फोर्स। अगर ये दूसरे से काफ़ी दूर है तो बड़ी मुश्किल होता है, जब काफ़ी क्लोज हो तो काम करते हैं। दूसरी चीज, ये मास पे डिपेंड करता है, किस पे, मास। अभी हम अगर इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें तो देखिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। अब मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, और एक और बॉल है, देखिए इनका मास क्या है, काफ़ी छोटा है, तो इनके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन क्योंकि मास कम है इसीलिए इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है और वो एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे हैं। जब हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ तो पता ही है कितनी बड़ी है ना, और जब हम किसी बॉल को यहाँ रखते हैं तो देखिए बॉल तो छोटा सा है लेकिन अर्थ का मास बहुत बड़ा होता है, इसीलिए अर्थ और इनके बीच जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा। इसलिए जैसे आप यहाँ छोड़ते तो ये नीचे चला जाता, कभी आपने देखा ये पृथ्वी ऊपर जा रही हो, नहीं होता ना, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी मास ज़्यादा है। यानी सिंपल वे में हम कह सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, मास। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भारी है, अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा भारी हो गया तो फिर उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप फील कर पाएंगे, लेकिन जब नॉर्मल हम घर पे या आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं सबके बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, लेकिन हमें फील इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी मास अर्थ के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम है, क्योंकि मास कम है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम है कि हमें फील नहीं होता। लेकिन एक बात हमें से याद रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक चीज़ के बीच में लग रही है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे वो दूर हो, पास हो, कहीं भी हो, उसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा। ये बात और है कि हमें फील इसलिए नहीं होता क्योंकि
दोनों के ही मास क्या होते, बहुत ही कम होते हैं। अगर इन दोनों के मास को बढ़ाते 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 बहुत बड़ा कर दिया जाए, हाँ, तो क्या होगा, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें दिखने लगेगा। हाँ, है तो पहले भी, लेकिन उसमें दिख नहीं रहा था, लेकिन जब ये मास बहुत बड़ा हो जाता है तो हमें ये फील होने लगता है। अब जैसे आपको इतना पता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये मान लीजिए हमारा सन है, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, लगाते हैं ना। अब ऐसा क्यों, वो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो यहाँ आने मत गिर क्यों नहीं जाते, माइंड में आता होगा। या फिर ऐसा क्या है जो इसको हमेशा बांध के रखता है अपनी ओर, खींचता रहता है। मास जो सन का मास है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मास ऑफ सन इज वेरी मच बिगर देन द मास ऑफ अर्थ। अब अर्थ के मास से सन का मास बहुत बड़ा है, तो बताइए किसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा काम करेगा, अर्थ का कि सन का? हाँ, सन का ना। तो सन क्या करेगा, ये जो अर्थ है या जो भी प्लैनेट है उसको अपनी ओर हमेशा अट्रैक्ट करता रहता है, और यही कारण है जितने भी प्लैनेट्स हैं सब स्टार के अराउंड घूमती रहती हैं। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा या नहीं सुना होगा तो अब तो आप अपने से बता सकते हैं। मान लीजिए ये है मेरा अर्थ, ठीक है, और ये रहा मेरा मून। आप हमें ये बताइए अर्थ और मून में कौन भारी होगा, अर्थ, तो बताइए कौन किसके चक्कर काटेगा। हाँ, मून अर्थ के अराउंड घूमेगा, क्यों, क्योंकि मून तो हल्का है, अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, अर्थ मून को अपनी ओर लगातार क्या कर रही होगी, खींच रही होगी, इसीलिए मून अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। यानी कि जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो सब प्लैनेट्स के चारों तरफ क्यों घूमते हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स का जो मास होता है वो प्लैनेट के मास से क्या होता है, कम होता है। तो अभी आपको समझ में आ गई, चलें नेक्स्ट देखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ये आपको लिखना नहीं है, आपको बस समझना है, यूनिवर्स में, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं बहुत ही कम। नेक्स्ट देखिए, अर्थ हैज अ ह्यूज मास, ह्यूज मीन्स बहुत ज़्यादा, सो इट अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट, और यही रीजन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको वो अपनी ओर खींचती है, क्यों, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, बहुत ही बड़ा है। दैट इज वाई अ बॉल थ्रोन अपवर्ड अल्टीमेटली कम्स डाउन, इसीलिए कोई भी बॉल जो आप ऊपर ऐसे फेंकते हैं वो अल्टीमेटली एकदम फाइनल है कि बाद में उसको नीचे ही आना है। दैट इज फ्रॉम फॉलिंग अ ट्री, अ रिपेंट फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री फॉल्स डाउन टू द अर्थ। अब कोई भी फ्रूट है जो कि ट्री में लगा है, अगर वो टूटेगा तो कभी ऊपर नहीं जाता, हमेशा कहाँ जाता है, नीचे, क्यों, क्योंकि वो फ्रूट का मास बहुत कम है और अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए अर्थ उस फ्रूट को अपनी ओर खींच लेती है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फील भी होता है, क्यों, क्योंकि इनके बीच का मास ज़्यादा है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो हम देख पाते हैं कि अच्छा वो चीज़ नीचे आ रही है, सही है। चलिए, ये रहा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिट्स ऑफ फोर्सेस, चलिए डिस्कस करते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्सेस। यूनिट ऑफ फोर्सेस क्या होता है, वेरियस यूनिट ऑफ फोर्सेस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। हाँ, फोर्स के ढेर सारे यूनिट्स हैं जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हाँ, एक ऐसा तरीका जो कि हर जगह के बच्चे पढ़ते हों, ठीक है, उसे बोलते हैं एसआई यूनिट। द यूनिट न्यूटन इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल एन। सम अदर यूनिट्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग फोर्स आर, अब देखिए पहले तो आप लिख लेंगे एसआई यूनिट, फिर उसमें आप यहां से लिख लेंगे यहां तक बस, उसके बाद लिखेंगे सम अदर यूनिट्स में, पहला आएगा आपका किलोग्राम फोर्स, दूसरा आएगा आपका ग्राम फोर्स। क्या आएगा, किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स। द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ बॉडी ऑफ मास 1 kg वर्टिकली इज कॉल्ड 1 किलोग्राम फोर्स। अब मान लीजिए
एक किलोग्राम का यहाँ पे बॉक्स पड़ा है, उस बॉक्स को उठाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ता है ना। तो जितना फोर्स आपने लगाया उसको उठाने के लिए, वो फोर्स कितना होता है, 1 किलोग्राम फोर्स के बराबर होता है। वो कितना होगा, 1 किलोग्राम फोर्स के बराबर होगा। द यूनिट किलोग्राम फोर्स इज डिनोटेड बाई नोटेशन KGF। अगर आपसे ये कोई पूछे कैसे इसको डिनोट करते हैं, क्या सिंबल है, तो देखिए किलोग्राम को स्मॉल KG से लिखते हैं और फोर्स को स्मॉल F से, यानी कि इसकी यूनिट के सिंबल बनेगा KGF। वैसे ही एक होता है ग्राम फोर्स। अब देखिए द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम वर्टिकली इज कॉल्ड 1 ग्राम फोर्स। ये भी सिंपल है। देखिए जब 1 किलोग्राम का बॉक्स उठाने के लिए जितना फोर्स लगाया आपने, उसे आपने कहा 1 किलोग्राम फोर्स। उसी तरह जब 1 ग्राम ऑब्जेक्ट उठाने के लिए जितना फोर्स लगाएंगे, उसे क्या कहेंगे, हम 1 ग्राम फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट देखिए द यूनिट ग्राम फोर्स इज डिनोटेड बाई द सिंबल GF, G फॉर ग्राम एंड F फॉर फोर्स। फ्रॉम द किलोग्राम रिलेशनशिप वी कैन राइट डाउन दैट, देखिए 1 किलोग्राम फोर्स विल बी इक्वल टू, अब बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, सो दिस विल बी 1000 ग्राम फोर्स, लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इट हैज बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली दैट 1 किलोग्राम फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये चीज एक्सपेरिमेंटली बताया गया है कि जो 1 किलोग्राम फोर्स होता है वो हमेशा 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। ये एक्सपेरिमेंट करके, इसको कैलकुलेट करके हमें बताया गया है कि जो भी 1 किलोग्राम फोर्स होता है वो 9.8 न्यूटन होता है। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि 1 किलो ऑब्जेक्ट है, उसको उठाने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना होगा, तो आप कहेंगे वो 9.8 न्यूटन फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर वो कहे कि 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, कितना, 5 किलोग्राम, तो बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, बताइए। 1 किलोग्राम में 9.8 लगा, तो 5 किलोग्राम के कैसे निकालेंगे, हाँ 9.8 इंटू 5 सॉल्व कर देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 49 न्यूटन हो जाएगा। आप मैथ्स अपनी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, वो 49 न्यूटन आ जाएगा, कर सकते हैं। तो चलिए आप होमवर्क में लिख लीजिएगा, पहला 3 kg के लिए, दूसरा 10 kg के लिए, हाँ ये 2 क्वेश्चन करेंगे आप घर पे, और आप बताएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 3 किलोग्राम का है, तो आपको बताना है उसके लिए कितना न्यूटन फोर्स लगेगा। उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट 10 किलोग्राम का है, तो उसको उठाने के लिए कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए क्या दिया है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन कैलकुलेशन, एक्चुअली हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा टफ ना हो इसलिए हम 9.8 को 10 न्यूटन भी लिख लेते हैं। ये देखिए लगभग 10 के ही इक्वल है ना, कितना छोटा है, 0.2 छोटा है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि 9.8 को अगर आपने 10 भी लिख दिया तो भी उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, काम चल जाएगा। तो देखिए 1 किलोग्राम, ये जो सिंबल है, ये सिंबल जो होता है वो इक्वल का होता है, और ये सिंबल जो होता है वो सिमिलर का होता है, यानी कि इक्वल के लगभग है। हाँ ये वैल्यू एग्जैक्ट होती है, ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, सही है। चलिए सो नाउ वी नो, ये आप रखेंगे कॉपी में, नोट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा एंड 14। या फिर इसको हम अगले दिन कराएं, चलिए इसको हम अगले दिन कराते हैं, आप बस पीछे का जितना कराए हैं उतना ही होमवर्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि होमवर्क ऑलरेडी आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दिए हैं और राइट करने के लिए भी, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।